What is that? NATO मतलब नहीं, NATO मेरे को पता है दूसरा दी 5.56 into 45 वो बुलेट का वो चेंबर का साइज है. ओके उसके और डिटेल्स में नहीं जाऊँगा. सो उनका जो जिसके पास कार्बाइन होगा शॉर्ट बैरल राइफल वो भी वही एम्यूनेशन फायर कर रहा होगा. जिसके पास स्टैंडर्ड 16 इंच या 18 इंच राइफल लेंथ बैरल होगा वो भी उसी को फायर कर रहा होगा. एक दो आदमी अलग एम्यूनेशन फायर करेंगे 7.62 into 51. एक उनका जो मार्क्समैन होगा जो 600 से 800 मीटर पे एंगेज करना चाहता है और उसका एक मशीन गनर होगा. मतलब इनके एम्यूनेशन आपस में एक्सचेंज कर सकते हो. उसमें भी फर्क है बट इट्स लेसर बट आप कर सकते हो. कैलिबर मतलब चेंबर साइज सेम है. सो जब सप्लाई ड्रॉप करना है यू हैव टू ड्रॉप ओनली टू काइंड्स ऑफ एम्यूनेशन 5.56 into 45 7.62 into 51. आपके 700-800 लोगों का एम्यूनेशन चला गया. इट्स ईजियर सिंपल ईजियर सिंपलर लेस प्लेटफॉर्म टू डील विथ दी प्लेटफॉर्म से सिमिलर सो इट इज ईजियर टू ट्रेन. अब यहाँ पे मशीन गन आपने PKMG रखा हुआ है 40-50 साल पहले पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें बैरल भी चेंज करना है उस पर साइड्स नहीं लग सकते. बट आपके पास M4A1 रेड टिप SS108 वो है. उसका एम्यूनेशन खत्म हो गया कब आएगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है. फिर आपके पास टवोर है उनको 14-15 साल हो गए उनको कब चेंज करना है उसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है या उस पर कोई डिस्कशन नहीं चल रही है. फिर मेक इन इंडिया के नाम मेक इन इंडिया का जो चूरन पिलाया जा रहा है बोला भाई मेक इन इंडिया में सिर्फ टवोर बन रहा है तो टवोर खरीदो. मतलब आर्म फोर्सेस को स्पेशल फोर्सेस को ऐसा घेर रखा है लोगों ने कंपार्टमेंटलाइज कर रखा है ऐसा कि चाहते हुए लोग मनूवर नहीं कर सकते कि नहीं इस पे ये क्लॉज है इसमें ये क्लॉज है इसमें क्लॉज. उनके सप्लाई ड्रॉप्स कैसे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड लाइक डू यू नॉट गेट द फुल लाइक लिस्ट ऑफ वेपन्स दैट यू नीड. नहीं एज इन सप्लाई ड्रॉप्स जब मैं बोल रहा था इट इज़ लाइक अभी लड़ाई चल रही है. एयरबॉर्न पैराशूट्स हैं आजकल उसमें एम्बेडेड सिस्टम्स हैं नेविगेशन सिस्टम्स. यू फीड दी GR वो आके आपके पास गिरेगा. हमारे पास हैं वो सिस्टम्स एयरबॉर्न इक्विपमेंट्स एयरबॉर्न सिस्टम्स अमेरिकन कंपनी है. उसका फायरफ्लाई और ड्रैगनफ्लाई है उस पर एम्बेडेड है सिस्टम नेविगेशन सिस्टम. आप उसमें GR फीड करिए एरोप्लेन से लॉन्च रिलीज़ करिए 30-40 किलोमीटर दूर से ग्लाइड करके आके 100 मीटर के सर्कल पे इट विल लैंड. सो दैट कैन हैपन ओनली व्हेन आपका स्टॉक पाइल जो है वो सिमिलर एम्यूनिशन का है. नेटो का आइडिया क्या था व्हाई डू दे ऑल यूज 5.56 into 45 कि अगर एक ड्रॉप आया उसमें फ्रेंच आर्मी ब्रिटिश आर्मी जर्मन आर्मी लड़ रही है तो दैट एम्यूनिशन कैन बी यूज्ड इन G36 SAT एंड इनका फ्रांस का जो था नाम बोल रहा हूँ राइफल सेम एम्यूनिशन तीनों आर्मीज कर सकती हैं. मैगजीन तक उनका सेम था स्टैनाग मैगजीन तक सेम था कि भरी हुई मैगजीन भी अगर आ रही है सप्लाई ड्रॉप में इसके वेपन में भी चली जाएगी उसके वेपन में भी उसके वेपन में भी. इंटरऑपरेबिलिटी बहुत हाई थी. हमको तो यही नहीं क्लियर हो रहा है कि हम अपने मर्जी का खरीदें स्पेशल फोर्सेज या इन्फेंट्री जो खरीद के दे दी उसी में अपने रिपीट ऑर्डर्स लगा दें या अलग से कर दें और वो नहीं चाहिए ये चाहिए तो फिर उसमें चूरन लगा दिया क्लॉज लगा दिया कि भाई मेक इन इंडिया ही लेना पड़ेगा. मतलब इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़ सो डिसहार्टनिंग कि हमारे इतने कमिटेड वेल ट्रेन्ड हाईली मोटिवेटेड जवान JCOs और ऑफिसर्स हैं हु कैन बी एट दी पोडियम फिनिशिंग बोलते हैं ना कि वर्ल्ड के स्पेशल अच्छे स्पेशल फोर्सेस में. इट इज़ नॉट ओनली व्हेन यू आर सर्विंग इन द आर्मी पोस्ट आर्मी जब आप रिटायर होंगे तब भी आपको नौकरी उतनी आसानी से मिलेगी अगर आप उनके साथ बैठ के खा रहे हो. इफ यू आर शेयरिंग द टेबल इफ यू आर शेयरिंग द फिलोसफी राइट शेयरिंग द वेपन प्रोफाइल या अभी इंडियन उसका आपने जो भी किया हुआ दैट मीन्स नथिंग टू देम ऑन पेपर्स. आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना.